हर साल की तरह इस साल भी बाबा ताज की बारगाह से चादर को लेकर के आ चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन आप लोग चादर पेश कर रहे हैं, कितने आदमियों का टीम है आप लोगों का? इसे काले राजा इजाजत के सफीने का तुम्हें सुल्तान कहते हैं, अरे अरब वाले भी तुम्हें। दरबार गरीब आज के बारगाह में हर साल की तरह इस साल भी चादर आई है, जो कि कुछ इस तरीके का माहौल होता। देखिए بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم गाइस, वो आपका दोस्त भी शगान यूट्यूबर। तो फाइनली आज का ब्लॉग मेरा ये है कि अभी आ रही बाबा ताज की चादर, मतलब बाबा ताज के वहां से चादर आ रही है जो कि गरीब नवाज सरकार की बारगाह में पेश होगी नागपुर वालों की तरफ से। तो अभी चलते हैं, कैसा बोले क्या है पूरा दिखाते हैं। ये हमारे भाई लोग, कहां से हो आप? पाली वाले? माशाल्लाह, कर पाली वाली नागपुर वाले भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं, कैसा क्या मॉल है, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना, वीडियो ज्यादा शेयर करना। तो देखिए चादर आ चुकी है नागपुर वालों की, बहुत ही खूबसूरत बहुत ही बड़ी चादर आती है हर साल की तरह, इस साल भी आई है माशाल्लाह।
क्या है यहाँ पर न्याज करने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरह मैसेज पहुँचाते रहूंगा। और ये हजरत बहुत अच्छा माशाल्लाह, इन्होंने बहुत अच्छा ये प्रोग्राम पढ़ा और इंशाल्लाह इसी तरीके से आते रहेंगे और आप लोगों तक कलाम पहुँचाते रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। चादर शरीफ कहाँ से आई है? नागपुर से आई है। ये कितने समय से लेकर के आ रहे हो आप लोग? कितने समय से चादर लेकर आ रहे हैं आप? 2 सालों से। कितने आदमी का टीम है? कितने आदमी का टीम है आपका? क्या मैसेज देना चाहते हो? बहुत बहुत शुक्रिया मामा ताज की बारगाह से। वो सारी दादा दादी ने माजा लेकर के चादर को आते हैं। आप देख सकते हो दरबार आज के बारगाह में हर साल की तरह इस साल भी चादर आई है, जो कि कुछ इस तरीके का माहौल होता। देखिए
आप देख सकते हो बाबा ताज की बारगाह से कुछ इस तरीके से यहाँ पर गरीब नवाज की बारगाह पे चादर आती माहौल हो जाता है। हमारे बाबा ताज वाले जो हर साल की तरह इस साल भी चादर शरीफ को लेकर के आ चुके देखे। आप देख सकते हो हर साल की तरह इस साल भी बाबा ताज की बारगाह से चादर को लेकर के आ चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन आप लोग चादर पेश कर रहे हैं, कितने आदमियों का टीम है आप लोगों का? 150 लोगों का। तो आप लोग चादर कब से लेकर के आ रहे हैं? 5 साल से लेकर के आ रहे हैं। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं आप चादर लेके आते, क्या मैसेज देना चाहते हैं अजमेर के लोगों के लिए या पूरी दुनिया के लोगों के लिए? और भी ऐसे के बाद अगर इन ऐसे संदर निकालते रहे ऐसे चादर पेश करते रहे ऐसे आवाम को। क्या नाम होगा आपका? चादर से। ये चादर मेन कौन से मोहल्ले से आई है, कहाँ से आई है? मतलब ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हो हर साल की तरह तो देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत प्यारी चादर को लेकर के आते हैं और इस बार भी लेकर के। कितनी चादर आई नागपुर से? नागपुर से 3 चादर आई है जी। कहाँ कहाँ से आई है? एक शेख बारी चौक, एक बाबा ताज से और एक बोरियापुरे से चादर है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो चादर जो बनाया है ये अनिश भाई चादर वाले, ये किन की तरफ से चादर पेश हो रही है? ताज कमेटी की तरफ से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे बड़े भाई है माशाल्लाह, बहुत अच्छा। वो कहाँ से? जबलपुर। तो ये आपका पूरा सेटअप वहीं का है? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नाम क्या होगा आपका? विवेक बैंड जी। विवेक बैंड है, बराज बैंड जबलपुर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई मैं इसी तरीके से अजमेर का मैसेज पहुँचाता था, पहुँचाता रहूँगा इंशाल्लाह गरीब नवाज के बार का। ये हमारे भाई है, बहुत अच्छा भाई आते हैं और इंशाल्लाह अगर इनसे कॉन्टेक्ट करना हो तो कैसे कॉन्टेक्ट करेंगे आपसे? क्या नाम से? देवन ब्रास बैंड के नाम से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए नागपुर से चादर आई है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत प्यारी दरबार में पेश होने जा रही है। देखिए सुल्तान कहते हैं।